रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल विल बी फाइन. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नोट योर टुडेज डायरी. टुडेज डायरी इज लर्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1-2 ऑफ चैप्टर नंबर 8. देन यू विल रेडी योर नोटबुक. द डे इज वेडनेसडे एंड क्लास वर्क एंड यू विल राइट द डेट 60th December, 2020. ओके. टॉपिक चैप्टर नंबर 8, टॉपिक इज़ एनवायरनमेंट यानी माहौल. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज हम इसके. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस व्हाट प्रॉब्लम्स आर एंड कैन बी कॉज्ड. बहस करें कौन से मसाइल होते हैं या वजह बन सकते हैं बाय ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से. ठीक है, ज़्यादा आबादी की वजह से कौन से मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से सबसे पहले फूड रिक्वायरमेंट्स, खुराक की ज़रूरियात जो हैं इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ती चली जा रही हैं. यानी जो जो आबादी बढ़ती चली जा रही है तो डेफिनेटली ये सिंपल सी बात है कि फूड रिक्वायरमेंट्स यानी उनकी खुराक की ज़रूरियात भी बढ़ती चली जाएंगी. नंबर 2, ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी इज़ क्रिएटिंग, पैदा कर रही है सीरियस संजीदा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के प्रॉब्लम्स, मसाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में. ठीक है, ज़्यादा आबादी जो है वो तमाम दुनिया में, ज़्यादा आबादी की वजह से बेरोज़गारी का मसला जो है वो संजीदा सूरत हाल अख्तियार करता चला जा रहा है. बहुत अहम मसला हो गया है बेरोज़गारी आजकल के दौर में. नंबर 3, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की नीड्स को ज़रूरत है मोर एनर्जी, ज़्यादा तवानाई, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, कोल, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ईटीसी वगैरह वगैरह. ठीक है, यानी दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को फिर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिसमें तेल, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला और कुदरती गैस शामिल है, जिनके बगैर आजकल के दौर में एक कंप्लीट ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन आर मोस्ट डेंजरस, डिस्कस द रीजंस. ठीक है, यानी पोल्यूशन की, आलूदगी की तमाम अशकाल में से कौन सी शक्ल जो है आलूदगी की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी वजूहात बताइए. एंड द आंसर इज़ द मोस्ट डेंजरस इज़ एयर पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हवाई आलूदगी है. ठीक है, यानी फ़िज़ाई आलूदगी है, हवा में आलूदगी है. अमंग सम कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स यानी हवाई आलूदगी के कुछ जो हैं अहम अनासर जो हैं वो क्या हैं, आर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ETC वगैरह वगैरह. ठीक है, एयर पोल्यूशन काजेज फ़ज़ाई आलूदगी बायस वजह बनती है ग्लोबल वार्मिंग की, थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर के जो है वो पतला होने की, बारीक होने की, एसिड रेन जो है कीमियाई बारिश की, तेज़ाबी बारिश की, फॉरेस्ट डिक्लाइन कम जो है, फॉरेस्ट होता है जंगल, डिक्लाइन उसका कम होना. ठीक है, जंगलात की कमी की, ब्रेन डैमेज यानी ज़हनी जो है वो डैमेज होता है, ख़राब होना, ज़हनी बीमारियों की, कफ़ खांसी की, हेडेक, सरदर्द की, लंग्स डिजीज़ेस, गुर्दों की बीमारियों की, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज और सांस की बीमारियों का ये बायस बनता है. ठीक है, ये था हमारा आज का लेसन. उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.